प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर भी आसीन रहे और सदन को संचालित करने में बिल्कुल निष्पक्षता का परिचय उन्होंने दिया, शालीनता का भी परिचय दिया जैसे आप दे रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव, माननीय मायावती जी तथा माननीय कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में वो मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में भी काम किया। कई बार आंदोलनों में जेल भी गए, सामाजिक आंदोलनों, राजनीतिक आंदोलनों में। वो अखिल भारतीय राजभवन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और कोषाध्यक्ष भी रहे। ऐसे महान सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है, इसे समाज को भी और राजनीति को भी गहरा आघात लगा है। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति को आगे बढ़ाने में रहना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से, सदन की तरफ से इनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको अपने चरणों में स्थान दें और इनको परिजनों को, इनके शुभचिंतकों को, इनके सहयोगियों को इतना सबल प्रदान करें कि ये इतना बड़ा दुख सहन में वो सक्षम हो सके। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि उनके परिजनों को तक, उनके सहयोगियों तक मेरी शोक संवेदनाएं भिजवाने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, देश के लिए बहुत ही बड़ी ये दुर्घटना 8 दिसंबर 2021 को हुई। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बीपी रावत एवं 11 सैन्य अफसरों कर्मियों को निधन की और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की जब सूचना मिली, पूरा देश स्तब्ध रह गया और पूरे देश में एक मायूसी और गम छाया कि हमारे इतने बड़े सैन्य अधिकारी, इतने बढ़िया बढ़िया पायलट, इतने उनके सहयोगी जो देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, सरहद की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे, अपनी जान की बाजी लगा करके देश को अक्षुण बनाए रखने में जो कामयाब थे, ऐसे महान सैनिक हमारे बीच में नहीं रहे। जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद संभाला। इससे पूर्व 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक देश के थल सेना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने दिसंबर 1978 में भारतीय सैनिक अकादमी से पास आउट होकर 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में पहली तैनाती मिली। जनरल बिपिन रावत ने CDS के रूप में अपनी कुशल रणनीतियों के साथ सेना के तीनों अंगों को पहले से अधिक आधुनिक और शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अदम्य सैन्य वीरता, निर्भीकता एवं असाधारण सैन्य उपलब्धियां सेना के लिए प्रेरणा है। उनकी सुरक्षा नीतियों अतुलनीय योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत हुए जनरल बीपी रावत, उनकी पत्नी तथा 11 अन्य सैन्य अफसरों कर्मियों को नमन करते हुए उन्हें भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ और उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बीपी रावत तथा उनके साथ जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, उन सबके परिवारजनों को, उनके शुभचिंतकों को हमारे तरफ से श्रद्धांजलि की जो सूचना है उनके यहाँ पहुँचाने की कृपा करें। माननीय उमा शंकर सिंह जी, पूर्व विधायक हुआ कल आप करेंगे, लेकिन चूंकि माननीय नेता सदन ने उस बात को रख दिया है तो आज सदन बैठा है, इसके बीच में